यह क्रिकेट दुनिया के 5 दिग्गज क्रिकेटर जिनको हो चुकी है जेल, एक नाम लग चुका है हत्या का आरोप, नाम जानकर होगी हैरानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट के और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रिकेट दुनिया के कौन से 5 दिग्गज खिलाड़ी हैं जिनको जेल हो चुकी है और किस पर लगा है हत्या का आरोप। तो दोस्तों पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम का सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों क्रिकेट मैदान पर और इनके बाहर खिलाड़ियों की अपनी अलग अलग जिंदगी होती है। कई बार ये खिलाड़ी कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से इन्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अजीबोगरीब कारनामों की वजह से जेल जाना पड़ चुका है। एक नजर डालते हैं इन 5 दिग्गज क्रिकेटरों पर। दोस्तों पहला नाम आता है बेन स्टोक। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक और एक्स हेल्स दोनों ने एक साथ एक रात के लिए जेल में बंदी बनाए गए थे और इसके अगले दिन वह कोर्ट की छुट्टी के कारण उन्हें जेल में रहना पड़ा था। तब स्टोक ने बताया था कि वो एक गे क्लब को कुछ लोग तंग कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे। जिन लोगों पर स्टोक ने हाथ उठाया उन्होंने कहा कि उस रात स्टोक अपना आपा खो बैठे थे। जब स्टोक उन पर हाथ फोड़ दिया तब स्ट्रीट कैमरा में उनके फुटेज आ गई थी। वहीं दोस्तों दूसरा नाम है शांता कुमारन श्रीसंत। भारत के तेज गेंदबाज एस श्रीसंत को आईपीएल के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के मामले में जेल के रास्ते जाना पड़ा था। उन्होंने इस बात को माना था कि वह अपने बैंड के अंदर तौलिया लगाकर गेंदबाजी करते थे, तब वह एक ओवर में 14 रन लुटाते थे। वहीं दोस्तों तीसरा नाम आता है वसीम अकरम का। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वसीम अकरम भी उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्हें जेल का मुख देखना पड़ चुका है। वह साल 1993 में इन्हें जेल हुई थी जब वे वेस्टइंडीज के दौरे पर थे। वकरम तब टीम के साथी खिलाड़ी वकर यूनुस, आकिब जावेद और मुश्ताक अहमद के साथ पिच पर अवैध रूप से ड्रग्स का सेवन करते हुए देखा गया था। बाद में उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था और जेल में बंदी बनाई, उसके बाद उन्हें रिहाई हुई। वहीं दोस्तों चौथा नाम आता है नवजोत सिंह। भारत के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिद्धू को 1988 में एक बुजुर्ग से लड़ाई और झड़प के कारण 3 साल जेल हुई थी। कहा जाता है कि उनके एक बुजुर्ग से बहस हुई जिस पर उन्होंने हाथापाई कर दिया और बाद में उस बुजुर्ग की मौत हो गई थी जिसके कारण उनको 3 साल की जेल हुई थी। दोस्तों वही पांचवा नाम आता है रुबेल हुसैन का। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती मारपीट करने और धमकाने की वजह से इन्हें जेल हुई थी। उनकी गर्लफ्रेंड ने यह मुकदमा दायर किया था कि गेंदबाज ने अपने आपा को पर उन पर हिंसा किया था। तो दोस्तों आज की अपडेट बस इतना ही। अपडेट पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें तथा क्रिकेट जगत की अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।